नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केरल के वायनाड में हुए हादसे की। दरअसल आज सुबह ही केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड हो गई और इस लैंडस्लाइड की वजह से करीब 100 लोग मलबे के अंदर दब गए। जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक बताया जा रहा है हादसे में 3 बच्चों के साथ 24 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुई और इसके बाद सुबह करीब 4:10 पर फिर से एक बार लैंडस्लाइड हो गई। सूत्रों के मुताबिक लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया है। आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। वायुसेना के जो 2 हेलीकॉप्टर हैं मौके पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव का कार्य अभी भी मौके पर जारी है और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे थे वो पीएम मोदी के ट्वीट की, जो सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं, जिसमें देखिए सैलाब में सब कुछ बह गया और सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। किस तरीके से सैलाब तबाही लेकर आया है, तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक मलबे के अंदर कई सारे लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, केरल के वायनाड में आज सुबह ही भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो गई। और इस मामले में आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें। वायनाड हादसे को लेकर अब सेना की मदद ली जा रही है। हादसे की भयावहता को देखते हुए सेना को बुलाया गया है। रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया है। सेना की 4 टुकड़ी बुलाई गई है और चिकित्सा कर्मी भी मौके पर पहुंचे हैं। मलबे में 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की खबर है और अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, ये आशंका जताई जा रही है। तो वायनाड लैंडस्लाइड में बड़ा अपडेट आपको बता दें, हादसे की भयावहता को देखते हुए अब सेना को बुलाया गया है। सेना की 4 टुकड़ी मौके पर पहुंची हुई है। तो एक तरफ केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड का हादसा हो गया तो दूसरी तरफ झारखंड के चकधरपुर रेल मंडल में भी ट्रेन जो है दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जा रहा है हावड़ा मुंबई मेन ट्रेन जो आज सुबह करीब 3:45 पर बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो जाती है। जानकारी के मुताबिक अब तक इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये ड्रोन शॉट के जरिए हम आपको पूरा घटनाक्रम समझा रहे हैं, जिसमें आप देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। जानकारी के मुताबिक कुछ देर पहले ही इसी रेलवे ट्रैक पर जो एक मालगाड़ी है वो डिरेल हो जाती है, जिसके वैगन वहीं पर पड़े हुए होते हैं और ठीक उसके बाद हावड़ा मुंबई ट्रेन दूसरे ट्रैक से गुजर रही होती है, जो उस वैगन से टकराकर हादसे का शिकार हो जाती है। 18 बोगियां हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन की जो ट्रैक से नीचे उतर गई, तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। करीब 5 से 6 बोगियां ऐसी बताई जा रही हैं जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। न्यूज 18 पर आप हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। इस बड़े हादसे में 2 यात्री की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हो गए। मौके पर रेलवे के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना के बारे में रेलवे का कहना है कि ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस सुबह 3:45 पर हादसे का शिकार हो गई। वहीं ताजा अपडेट है कि रेलवे की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और जल्द ही परिचालन को सामान्य भी कर लिया जाएगा। अब तक जो ट्रेन के अंदर यात्री थे उन सबको निकाल लिया गया है।
जो यात्री घायल थे उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जो यात्री इसमें अच्छे थे उन्हें बसों के जरिए रवाना कर दिया गया है उनके गंतव्य स्थान के लिए। मौके पर अभी कोई भी यात्री नहीं है। ताजा अपडेट आपको बता दें, जो वहां पर पटरी से कोच उतर गए हैं अब उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ मालगाड़ी के वैगन को भी वहां से हटाया जाएगा ताकि परिचालन सामान्य हो सके, क्योंकि इस रूट से होकर कई सारी गाड़ियां गुजरती हैं, कई सारी ट्रेन जाती है, तो ऐसे में परिचालन प्रभावित ना हो इसका ख्याल रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, चूंकि यहां पर दो ट्रेनें हैं, एक मालगाड़ी भी है और मुंबई हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन भी, तो दोनों को हटाने में समय भी आज लग सकता है। बताया जा रहा है आज दिन भर का समय लग जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन में। होने का कारण है कि डाउन लाइन में NJBCT मालगाड़ी वो पहले से डिरेल हो चुका था, उसी के ऊपर हमारा 120 में गाड़ी जा रहा था। ड्राइवर का कहना 120 स्पीड था। ये आपका हमारा अप लाइन अफेक्टेड था। सरायकेला खरसवां रेलवे स्टेशन के ठीक करीब कोटोगोड़ा गांव है और ठीक यहां पर इसी जगह पर ट्रेन दुर्घटना घटी है। हम आपको सबसे पहले वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर ट्रेन दुर्घटना घटी है। करीबन यहां पर 6 से 7 बोगी जो है पूरी तरह यहां पर पटरी से उतर कर आपस में टकरा चुकी है। दुर्घटना काफ़ी बड़ी है। दृश्य को देखकर हम कह सकते हैं कि कई जो लोग हैं इस ट्रेन में जो सवार थे वो घायल हो चुके होंगे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया होगा। कितने लोगों की मौत हुई है यहाँ पर, जो स्थानीय जो लोग हैं वो जो इस दुर्घटना को देख रहे हैं उनसे भी जानते हैं। हमारे साथ में भाजपा के जिला के उपाध्यक्ष सरायकेला के भी हैं। किस तरह बड़ी घटना दुर्घटना यहाँ पर घटी है और क्या सामने बातें सामने आ रही है? देखिए, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और ये सुबह 3:40 की है जब ट्रेन हावड़ा की ओर जा रही थी और यहाँ आके हम लोग को पता चला कि एक ट्रेन जो पहले से दुर्घटनाग्रस्त थी, एक मालगाड़ी थी, और उसको देख के हमको लगता है कि ड्राइवर इंजन जो ड्राइवर थे मेल के वो ब्रेक मारे होंगे और ब्रेक मारने के बाद इतनी बड़ी घटना घटी है। को अभी तक लगा है, हम लोग जब आए तो कुछ सब को निकाला गया था, एक सब अभी तुरंत ही निकाला गया है और एक सब के लिए कटर से काटा जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ 4:30 पहुँच गए थे, उस समय हमारे गांव के पोटोगड़ा गांव के ग्रामीण लोग निकाल रहे थे, लोगों को सहयोग कर रहे थे बहुत सारे लोगों को, और जिला प्रशासन की ओर से भी एम्बुलेंस भेजा गया था, उसमें जो जो घायल थे उन लोग को ले जा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा। मोबाइल फोन आया कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हम लोग आए हैं, देख रहे हैं, देखिए इसमें एक डेड बॉडी निकला है, लग रहा है कि और 2-3 फंसा होगा, डेड बॉडी होगा। घायल यहाँ पर देख सकते हैं कि दर्जनों जो यात्री है घायल होंगे और फिलहाल रेल पुलिस जो है पूरी तरह तत्पर है। यहाँ पर पूरी टीम, एम्बुलेंस की टीम, रेल के जितने भी अधिकारी है सब यहाँ पर पहुँच कर इस सेवा इस दुर्घटना में लगे हुए हैं। प्रभंजन, न्यूज 18 सरायकेला। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो वहां पर ग्रामीण मौजूद थे उनको आपने सुना, जो बता रहे हैं कि जैसे ही हादसा हुआ उन लोगों को खबर मिली, मौके पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर पहले रेस्क्यू शुरू किया, जिसके बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई और एक एक करके जो घायल यात्री थे उन्हें बाहर निकाला गया और उन सभी को फिर अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि जो यात्री इसमें फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था करते के साथ ही जिन यात्रियों को अलग अलग जगहों पर जाना था उन्हें बसों के जरिए रवाना भी कर दिया गया है। अपडेट के मुताबिक अब तक 2 यात्रियों की मौत की खबर है। ये दोनों यात्री कहाँ के रहने वाले हैं फिलहाल इसकी पहचान की जा रही है। लेकिन आपको तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह यह हादसा रहा होगा। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह देखिए 3:45 पर यह हादसा हो जाता है जब हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन मालगाड़ी के वैगन से टकरा जाती है। ट्रेन के कोच पटरी से उतर जाते हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू अभी भी जारी है। और देखिए झारखंड विधानसभा में आज इस मुद्दे को उठाया भी गया है
और इस मुद्दे को लेकर झारखंड विधानसभा में हंगामा हो रहा है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने रेल हादसा का मुद्दा उठाया। प्रदीप यादव ने कहा, बार बार ये घटना घट रही है लेकिन केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में है। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है और अब देखिए कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि बार बार घटना घट रही है, रेल हादसा सुबह सुबह हुआ है, एक चिंता का यह सबक है क्योंकि बार बार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है और भारत सरकार बिल्कुल कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, इसके सचेत होना चाहिए। रेल हादसा सुबह सुबह हुआ है, एक चिंता का यह सबक है क्योंकि बार बार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है और भारत सरकार बिल्कुल कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, इसके सचेत होना चाहिए। और अगली खबर आपको दानापुर से बता देते हैं। दानापुर में बताया जा रहा है कि अब रेलवे की तरफ से एक हॉट बॉक्स तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है। पहिए को आग से बचाया जाएगा, ये डिटेक्टर अब लगाया जाना है, हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम। इस सिस्टम के जरिए रनिंग ट्रेन के दौरान पहिए में लगने वाली आग को समय रहते रोका जा सकता है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने न्यूज 18 से बातचीत में एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। नए सिस्टम के जरिए कोच और मालगाड़ी दोनों में हॉट एक्सेल का पता लगाने के लिए मोकामा अपलाइन और जमानिया अपलाइन पर एक हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम लगाया गया है। और इसी बीच आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि चकधरपुर रेल मंडल पे जो हादसा हुआ है वहां पर अब मरम्मत का कार्य जारी है, यानी कि रेस्क्यू करने के बाद जो वहां पर जो पटरी पर कोचेज हैं उसे हटाया जा रहा है और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक को भी दुरुस्त किया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देखिए जो कर्मी हैं वो वहाँ लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द परिचालन सामान्य हो इसको लेकर तेज गति से ये काम किया जा रहा है जिसमें अब रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आपको नजर भी आ रहा होगा, ये हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जहां दुर्घटना का शिकार हुई है उसके ठीक बगल में जो ट्रैक है अब उसे ठीक किया जा रहा है। जल्द से जल्द परिचालन सामान्य हो क्योंकि इसी ट्रैक को होकर कई सारी ट्रेनें जो हैं वो गुजरती हैं। अभी उन ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं लेकिन परिचालन को सामान्य करने के लिए अब ट्रैक को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे के बड़े अधिकारी अभी भी मौके पर मौजूद हैं। और अगली खबर आपको दानापुर से बता रहे थे। दानापुर में देखिए अब ये बताया जा रहा है कि ट्रेन के पहियों में आग ना लगे इसको लेकर अब एक यहाँ पर बॉक्स इंस्टॉल किया जाएगा जिसके जरिए ये पता लगा लिया जाएगा पहले ही समय रहते ताकि जो ट्रेन है और उसके पहिए में आग ना लगे। रेलवे ने हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम लगाया है। क्या है ये पूरा सिस्टम, कैसे ये काम करने वाला है, इस पर और अधिक जानकारी आपको देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मध्य रेलवे के CPRO सरस्वती चंद्र जी, बात करते हैं इनसे। सर, हॉट इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है? ये हॉट एक्सल डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है हमारे यहाँ मोकामा और जमानिया में अपलाइन स्टेशन पर, अपलाइन में लगाया गया है। इससे जो रनिंग ट्रेन्स है उनमें अगर पहिए गर्म हो जाते हैं तो उसमें जो है सो स्मोक होने की संभावना होती है और उसे आगे चल करके जो है और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पहिए में। तो वो डिटेक्शन सिस्टम है जो कि रनिंग ट्रेन को ऑटोमेटिकली उसमें हीट सेंस करके उसमें कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, और जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा उसके साथ सेंसर्स लगे हुए हैं जिसकी सूचना ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल को मिल जाएगी SMS के अलर्ट के माध्यम से और तुरंत उसके बाद अधिकारी और कर्मचारी सतर्क हो जाएंगे, उसको जो भी उसके बाद एक्शन लेना है उसके बाद उसके संबंधित। पहिया जो गर्म हो जाता है उसके अंदर के पार्ट, उस चीज़ को वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और गर्म होने के कारण आग भी लग जाती थी? हाँ, गर्म होने का स्मोक हो जाता था उसमें। आग तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती थी लेकिन उसमें स्मोक हो जाता था और फिर वो पहिया चलने लायक मूविंग कंडीशन में नहीं रहता था, तो इमिडिएटली उसको जो है फिर हटाना पड़ता है। जो जानकारी मुझे है सर कि
पहले इस तरह की घटना होती थी तो चाहे तो गैंगमैन या फिर जो केबिन मैन होते हैं उनकी नज़र जाती थी तो वो सूचना देते थे, अब ये नई टेक्निक आई है जिसमें एसएमएस से ही जानकारी। जी आप सही कह रहे हैं, जो स्टेशन पर स्टाफ होते हैं वो इस चीज़ की को जो है अपने प्रेक्षण की जब ट्रेन पास कराते हैं तो वो देखते रहते हैं कि ऐसी कोई घटना तो नहीं घट रही है। वो मैनुअल सिस्टम अभी भी रहेगा लेकिन ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम हमारे दानापुर मंडल में पहली बार लगाया गया इस चीज़ को। इससे सुरक्षित होगी लोगों की यात्रा या मालगाड़ी का जो प्रचालन होगा वो सुरक्षित। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये सरस्वती चंद्र जी थे बता रहे थे कि ये जो नई सिस्टम है इससे ना सिर्फ रेल सुरक्षित रहेगा बल्कि जो यात्री है वो भी सुरक्षित रहेंगे। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। अपने हाथों में मांगों की तख्तियां लेकर आज विपक्षी विधायक जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें राज्य सरकार के वादों को मुद्दा बनाकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है, जिसमें सरकार से पूछ रहे हैं 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड के परमानेंट वादे का क्या हुआ, स्नातक को 5,000, स्नातकोत्तर को 7,000, बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका रसोईया के परमानेंट करने का क्या हुआ, ऐसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और साथ ही सहायक पुलिसकर्मियों की पिटाई का मुद्दा भी उठाया गया है। विपक्ष के विधायकों ने मुस्लिम तुष्टिकरण बंद करने की भी मांग की है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज भी हंगामेदार दिख रहा है। सदन के बाहर आप देख सकते हैं कि विपक्षी बीजेपी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा है और रोजगार के अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश है। बोले दीदी आज क्या मुद्दा है रहेगा आज? देखिए हम जनता के हित के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और उसी को लेकर के आज धरना में बैठे हुए हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सहायक अध्यापकों का क्या हुआ। आज हम ये बैनर भी लेकर के बैठे हुए हैं। आप नाम तो बदल दिए लेकिन उनको आज क्या लाभ दे पाए हैं? हम पूछना चाहते हैं कि सहायक पुलिस कर्मियों का क्या गुस्सा था आपको, उस पर आपने लाठी चार्ज किया। हमारे जो मनरेगा कर्मी हैं, हमारी जो पोषण सखी की बहनें हैं, हमारे जो आज हर संविदा कर्मी जिनको आपने वादा किया था, विश्वास दिला था। इस सरकार ने 2019 में नौजवानों को ठककर, महिलाओं को ठककर, पारा शिक्षकों को ठककर, सबको ठककर सत्ता प्राप्त की। इसने कहा था कि जितने संविदा कर्मी है सबको परमानेंट कर दूंगा। क्या एक भी पारा शिक्षक परमानेंट हुए? क्या एक भी रसोईया परमानेंट हुई? एक भी सहायिका सेविका आंगनवाड़ी सेविका परमानेंट हुए? क्या सहायक पुलिसकर्मी परमानेंट हुए? क्या होमगार्ड परमानेंट हुए? क्या नौजवानों को 5 लाख नौकरी मिल गई? क्या बेरोजगारी भत्ता ग्रेजुएट्स को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट्स को 7,000 मिल गया? जनता को विधानसभा चुनाव से पहले ये बताने की कोशिश है कि वास्तव में सरकार क्या कर रही है और विपक्ष इसी मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अगली खबर आपको गिरिडीह से बता दें, आज गिरिडीह में भी NH-19 पर एक हादसा हो गया जहां एक टैंकर पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ पुल के नीचे लटक गया है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं जहां NH-19 पर एक टैंकर बेकाबू होकर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए पुल के नीचे लटक गया। हादसे में टैंकर का केबिन पुल के नीचे हवा में लटक गया जबकि उसका पिछला भाग सड़क पर अटका रहा। हादसे में टैंकर का ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है टैंकर दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहा था। वहीं हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और फिर आवाजाही सामान्य की गई। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस हादसे की तस्वीर जहां देखिए टैंकर इस पुल से होकर गुजर रहा था। NH-19 बताया जा रहा है जहां से टैंकर गुजर रहा था। इस टैंकर को दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाना था लेकिन तभी NH-19 के पास ये बड़ा हादसा हो जाता है। बेकाबू होकर टैंकर पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ लटक जाता है जिसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि जो टैंकर का अगला हिस्सा है, केबिन का हिस्सा, वो लटक रहा है और जो टैंकर का पीछे वाला हिस्सा है वो पुल पर ही है। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें जहां बताया जा रहा है कि एक जमीन कारोबारी का अपहरण कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जमीन कारोबारी लापता हो गए हैं। मुकेश पांडे उनका नाम बताया जा रहा है। परिवार के लोगों ने अपहरण का केस दर्ज कराया है। मुन्ना खान
पर शक जताया जा रहा है। परिवार के लोग मुन्ना खान पर अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। जमीन विवाद में अपहरण का ये आरोप लगाया जा रहा है। गरहा थाना क्षेत्र के पटियासा का मामला है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मुजफ्फरपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जमीन कारोबारी का अपहरण हो गया है। कारोबारी मुकेश पांडे लापता हो गए हैं। परिवार ने अपहरण का आरोप लगाया है। केस दर्ज कराया गया है मुन्ना खान पर, जिस पर अपहरण का शक जताया जा रहा है। परिवार वालों की तरफ से जमीन विवाद में अपहरण की बात कही जा रही है। आसाम में उसका एक प्लॉट है जिस पर कि मुन्ना खान से विवादित एक आध महीना से उस पर झंझट चल रहा है। जमीन हमारे भाई का नाम से है और वो कहता है कि जबरदस्ती हम जाली फरोश कागज बनवा के बेच लेंगे। इसी दरबियान में मेरा भाई उस जमीन पर लिखवाए हुए था कि जमीन बिक्री का है, 8 जगह 10 जगह लिखाया हुआ था, जिसका कि मुन्ना खान का आदमी 3 गाड़ी से आकर के पहले पूरा को मिटा दिया है। और इसके बाद जो है हमारे भाई के साथ बहुत मारपीट किया है और इसके बाद 4 चक्का स्कॉर्पियो में बैठा करके ले गया। और अगली खबर आपको दिल्ली से बता दें, दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर कांड के बाद से ही छात्र काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और छात्रों की तरफ से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कल देर रात बड़ी संख्या में छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी का केंद्र माने जाने वाले मुखर्जी नगर की सड़कों पर उतर गए और देखते ही देखते छात्रों के हुजूम ने मुखर्जी नगर की मेन रोड जाम कर दी। वहीं इससे पहले कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस को भी सील कर दिया। छात्र विकास देवकीर्ति के घर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे छात्रों का प्रदर्शन सुबह सोमवार से जारी है। एलजी वीके सक्सेना खुद राजेंद्र नगर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात किए थे। इसके बाद शाम होते होते एक और सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले गढ़ मुखर्जी नगर के बाहर छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन करते नजर आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। उसके कुछ वैगन पटरी पर पड़े हुए थे और उसी वक्त अप लाइन से हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन गुजर रही थी जो उससे टकरा जाती है और उसके बाद हादसा हो जाता है, जो तस्वीर अब आपको दिखा भी रहे हैं। और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सुबह 3:45 पर यह हादसा होता है। जैसे ही जानकारी आसपास के लोगों को मिलती है वो मौके पर पहुंच जाते हैं और यात्रियों को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी जाती है। इसके बाद अधिकारी की टीम भी मौके पर पहुंचती है। लोकल प्रशासन की टीम वहां पहुंची, जो रेलवे के अधिकारी थे वो तुरंत वहां पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक 18 कोच जो पटरी से उतर गए थे उन सभी से यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको घटना की दिखा रहे हैं। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल क्षेत्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। फिलहाल मैं अभी वहां घटना स्थल में मौजूद हूं। आप यहां देख रहे हैं ये हावड़ा मुंबई ट्रेन, जो हावड़ा मुंबई मेल है, ये हावड़ा से मुंबई की ओर जा रही थी और यहां बड़ा बम्बो के पास यहां पर ये डीरेल हुई है और इसके साथ इसके बगल लाइन में जो डाउन लाइन से आ रही थी चक्रधरपुर से टाटा की ओर जो जा रही थी एक मालगाड़ी, वो डीरेल हुई है। जैसा बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पहले डीरेल हुई और उसके चपेट में आकर जो हावड़ा मुंबई मेल है वो डीरेल हुई है। हावड़ा मुंबई मेल जो ट्रेन है उसके अधिकांश बोगियां पटरी से उतर गई है। करीब जैसे 18 बोगी यहाँ ट्रैक से उतर गई है और कितना जोरदार ये हादसा हुआ है आप देख रहे हैं कि ट्रेन की जो बोगियां हैं पूरी तरह से नीचे उतर गई है, स्लीपर यहाँ के प्राय बर्बाद हो गया है। और इस जो घटना में इस हादसे में अगर कैजुअलिटी की बात करें तो 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पर चक्रधरपुर रेल मंडल के जो वरीय अधिकारी हैं मौके पर जमे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा आधिकारिक रूप से अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन जो हमारे रेलकर्मियों से या अन्य सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है 20 लोगों के आसपास यहाँ घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें चक्रधरपुर के अस्पताल ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। या घटना स्थल में आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग भी आसपास के जमा हो गए हैं और फिलहाल यहां पर राहत कार्य जारी है। जय टीम चाईबासा।
तो ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान, जो वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने आपको वो तस्वीरें दिखाई और हम आपको अब ये ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आप समझिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले इसी स्टेशन के पास उसे थोड़ी दूरी पर एक मालगाड़ी जो आ रही थी वो डिरेल हो जाती है, उसके कुछ वैगन जो हैं उसी ट्रैक पर पड़े रहते हैं, दूसरी ओर से जो हावड़ा मुंबई ट्रेन आती है वो उससे टकरा जाती है। इसमें इसके लिए जो है वो सेंट्रल रेलवे ने, मध्य रेलवे ने अपने अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर्स की सुविधा प्रदान की है, जिनमें प्रामुख्य से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, कल्याण, नागपुर, भुसावल, बडनेरा, ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं जहां जहां पे भी यात्रियों